नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एनएवी। एनएवी क्या है अगर एक लाइन में बोले तो एनएवी क्या है तो नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसका फुल फॉर्म सिर्फ जानना चाहते हैं तो आपका कंप्लीट हो गया कि नेट एसेट वैल्यू होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम इसे डिटेल में जानेंगे कि एनएवी होता क्या है, कैसे हम एनएवी को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या है। तो एनएवी जो होता हमारा वैल्यू होता है पर यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड या कहें यूलिप। किसी भी फंड का पर यूनिट जो वैल्यू होता है, मतलब कहे पर यूनिट का जो प्राइस होता है, एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसे हम एनएवी बोलते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो या यूलिप हो, इन्वेस्टर जो बाय करते हैं सेल करते हैं म्यूचुअल फंड एट एनएवी प्राइस। हम जो म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो एनएवी के प्राइस पे बाय करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो एनएवी के प्राइस पे करते हैं। तो एनएवी हमारा क्या होता है, जो टोटल फंड है, जो फंड मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड, टोटल फंड बटे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, मतलब किसी म्यूचुअल फंड का जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे डिवाइड कर देते हैं उस फंड को, तो हमारा क्या मिलता है उसका एनएवी बोलते हैं। इसलिए हम बात करें कि एनएवी क्या होता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस एसेट अंडर मैनेजमेंट को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। किसी भी म्यूचुअल फंड का जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे डिवाइड कर दें एएमयू को, एसेट अंडर मैनेजमेंट को, हमें उस म्यूचुअल फंड का एनएवी मिलता है। और जो ये हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है ये लगातार चेंज होता है, जैसे जैसे मार्केट हमारा चेंज होगा, स्टॉक मार्केट चेंज होगा, उसमें प्राइस जैसे अप और डाउन जाएगा, बॉन्ड मार्केट जैसे जैसे डाउन होगा अप होगा, उसके अनुसार एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, डाउन होगा अप होगा। तो इस तरह से एनएवी जो हमारा है वो मार्केट पर निर्भर करता है और एनएवी का जो प्राइस है वो लगातार चेंज होता है। तो हम इसमें एनएवी को डिटेल में जानेंगे कि एनएवी क्या होता है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो हम सबसे पहले एनएवी को कैलकुलेट करेंगे फार्मूला से। तो एनएवी का जो फार्मूला होता है हमारा, तो एनएवी का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एसेट, तो एसेट ले लिए यहाँ पर, माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया एनएवी का फार्मूला। अगर किसी को सिर्फ फार्मूला बताना हो कि एनएवी का फार्मूला क्या होता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हो गया एनएवी का फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे एनएवी को एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल के लिए, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि एनएवी होता क्या है वास्तव में। तो यहाँ पर जो हमारा एसेट होता है वो हम एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम एसेट मान लेते हैं। तो एसेट हम किसी भी म्यूचुअल फंड का लेते हैं कि 20 करोड़ है। तो अब ये जो 20 करोड़ एसेट है, मतलब सारे जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में उसे कैलकुलेट किया हुआ जो टोटल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर एसेट हो गया 20 करोड़। तो ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 2018 का। 2018 में हमारा जो टोटल फंड रेज किया गया इन्वेस्टर से 20 करोड़, और इसे इन्वेस्ट कर दिया गया किस में, स्टॉक में, फिर इन्वेस्ट कर दिया गया किस में, बॉन्ड में, फिर इसमें कुछ कैश कैरी कर लिया गया। तो 20 करोड़ में हमारा जो है 10 करोड़ स्टॉक मार्केट में लगा दिया गया, और फिर जो हमारा 8 करोड़ है वो बॉन्ड में लगा दिया गया, और जो 2 करोड़ है, ये जो 2 करोड़ है ये कैश रिजर्व रख लग गया। तो अपने पास कैश रख लिया 2 करोड़, तो कुल हो गया 20 करोड़। मतलब 10 करोड़ हमारा स्टॉक में लगाया गया, 8 करोड़ हमारा बॉन्ड्स में लगाया गया, और 2 करोड़ क्या रखा गया, मतलब कैश रखा गया। तो इस तरह से हो गया हमारा 2018 में। अब यही एसेट जब हम एक साल बाद बात करते हैं 2019 में, तो ये एसेट हमारा हो गया स्टॉक का जो एसेट है ये बढ़ करके हो गया 12 करोड़, तो 12 करोड़। उसके बाद हमारा जो 8 करोड़ था ये बढ़ करके हो गया 10 करोड़, और ये केस अभी भी 2 करोड़ ही है, तो केस 2 करोड़ ही है। तो इस तरह से कुल आपको कितना हो गया, देख सकते हैं 24 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसेट था वो हमारा 2018 में कितना था, 20 करोड़, और जो ये एसेट है बढ़ करके हो गया कितना, 24 करोड़, कब, 2019 में। तो ये था हमारा 2018 में, और 2019 में हमारा एसेट बढ़ करके कितना हो गया, 24 करोड़। अब हम क्या करेंगे, एनएवी कैलकुलेट करेंगे 2018 में एनएवी कितना था, 2019 में एनएवी कितना हो गया। तो चलिए हम एनएवी कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 2018 में हम एनएवी को कैलकुलेट करते हैं कि 2018 में एनएवी कितना था। एसेट हमारा कितना था, 20 करोड़। लायबिलिटीज़ मान लेते हैं कि हमारा 1 लाख था, लायबिलिटीज़ कितना हो गया, 1 लाख। अब इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये निग्लिजिबल होगा, जैसे हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 लाख हमारा करोड़ में हो जाएगा 0.01, बटे
टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मान लेते हैं हमारा जो टोटल जो अमाउंट था वो 20 करोड़ था, मतलब एसेट नंबर ऑफ यूनिट्स जो था वो 1 करोड़ था, नंबर ऑफ यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड की ओर तरफ से अलाउट किया गया था वो 1 करोड़, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा हो गया 1 करोड़ और जो टोटल फंड रेज किया गया था 20 करोड़, तो हमारा इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था 1 करोड़। तो ये हमारा 20 करोड़ और माइनस ये हमारा जो खर्च है जो एक्सपेंस है वो हमारा हो गया 0.01 करोड़ और जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है 1 करोड़। तो इस तरह से एनएवी कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.01 ये एक तरह से निग्लिजिबल है, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 20/1। तो इस तरह से 20/1 क्या आ गया, 20 हमारा आ गया एनएवी। तो एनएवी कितना हो गया 20। तो 2018 का एनएवी कितना था 20। अब हम 2019 का इसी तरह से निकाल लेते हैं कि एनएवी क्या होगा 2019 में। तो 2019 में इस तरह से एनएवी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जो हमारा अमाउंट है बढ़ के कितना हो गया था 24 करोड़, जैसा कि हमने आपको ऐड करके दिखाया था। माइनस इसमें जो लाइबिलिटीज़ है हमारा अभी भी लाइबिलिटीज़ फिक्स है 0.01 करोड़, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 0.01 को तो ये कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स अभी भी 1 करोड़ है, तो ये हमारा 24 में 0.01 घटाएंगे तो एक तरह से 24 करोड़ के आसपास ही होगा, मतलब अप्रॉक्स ही होगा। तो इतना बाय 1 तो हो गया हमारा फिर से एनएवी 24। तो देख सकते हैं 2018 में एनएवी था हमारा कितना 20 का और 2019 में हमारा एनएवी कितना हो गया 24 करोड़। तो इस तरह से एनएवी हमारा बढ़ करके, मतलब अगर आप एक यूनिट खरीदते, मतलब एक जो यूनिट है हमारा उसका प्राइस है कितना 2018 में 20 और यही हमारा प्राइस बढ़ करके 19 में हो गया 24, तो आपको एक यूनिट पे 4 रुपीज़ का बेनिफिट्स होता, मतलब एक यूनिट पे 4 रुपीज़ का। तो ये इस तरह से हम एनएवी को कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इस तरह से आप कुछ अच्छी तरह से समझ गएंगे, एसेट होता है, दूसरा हमारा लाइबिलिटीज़ होता है। तो एसेट हमारा क्या होता है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया प्लस जो हमारा प्रॉफिट होगा, तो ये हो गया एसेट। लाइबिलिटीज़ होता है जो मैनेजमेंट फ़ी है, ऑफिस चार्ज हो गया, चाहे जो फंड मैनेज कर रहा है उस मैनेजर का जो कॉस्ट हो गया, प्लस जो ऑनर है उसका जो कमीशन है, ये सब मैनेजमेंट में आ जाता है। तो एसेट हमारा होता है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो अमाउंट प्लस जो प्रॉफिट हुआ। और लायबिलिटीज होता है हमारा कि जो मैनेजमेंट फ़ी है जिसमें ऑफिस खर्च है वो आ गया, जो फंड मैनेजर है उसका फ़ी हो गया, फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका कमीशन हो गया, तो ये सब मैनेजमेंट फ़ी में आ जाता है। अब हम कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि जैसे हायर एनएवी मींस यू गेट लेस यूनिट। अगर एनएवी हाई है तो आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक लो एनएवी वाला म्यूचुअल फंड है, एक हाई एनएवी वाला, मतलब एक हाई एनएवी वाला है जिसका जो एनएवी प्राइस है वो मान लेते हैं 50 है और लो जो एनएवी वाला है इसका मान लेते हैं कि 30 है। तो आप जो 50 वाले में और 30 वाले में दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 10,000, तो आपको जो अधिक एनएवी वाला है उस म्यूचुअल फंड में लेस यूनिट मिलेगा और जो लो एनएवी वाला म्यूचुअल फंड है इसमें अधिक यूनिट मिलेगा। तो बस इतना ही है कि हाई एनएवी हो तो आपको यूनिट्स जो है कम मिलेगा, लो एनएवी हो तो आपको यूनिट्स अधिक मिलेंगे। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है कि हाई एनएवी इज एक्सपेंसिव फंड, जो हाई एनएवी होते हैं बहुत एक्सपेंसिव फंड होते हैं, लो एनएवी इज चीपर फंड, ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा एनएवी वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा आपके लिए, लो एनएवी वाले में इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीपर होगा, ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए तो हम इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये जो मिसकंसेप्शन है आप कैसे दूर कर पाएंगे, इसे हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम ग्रो ऐप में आए हुए हैं, अगर आपने ग्रो ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अगर हाई एनएवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लिए हैं SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये हमारा एक म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप का इक्विटी फंड है। इसका देख सकते हैं एनएवी है हमारा 33.59 और इसका रिटर्न देख लीजिए, 3 इयर्स में रिटर्न है निगेटिव में, देख सकते हैं निगेटिव में 2% के आसपास, 5 इयर्स में रिटर्न देख लीजिए 3.3%, उसके बाद ऑल टाइम में देख लीजिएगा तो ऑल टाइम में इसका रिटर्न है मात्र 9.81%। और इसका एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए कितना एक्सपेंसिव है, आपको दिखा देते हैं तो 1.04%, समझ सकते हैं कितना एक्सपेंस रेशियो है 1.04%। अब हम दूसरा फंड आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं मिरेज एसर्ट लार्ज फंड है, सिमिलर फंड है, मतलब सेम फिर मतलब लार्ज फंड है इक्विटी का,
तो लार्ज कैप फंड है इक्विटी का, देख सकते हैं 3 ईयर्स का रिटर्न देख लीजिए, उसका 2% निगेटिव में था, इसका 0.2% है पॉजिटिव में। आप इसका 5 ईयर्स का देख लीजिए 5.7% है, उसका 9% था ऑल टाइम, इसका देख लीजिए 11.87% है। और यहाँ पर देख लीजिए उसका 33 था एनएवी, इसका देख लीजिए 43.44% है। तो देख लीजिए इसका एनएवी हाई है, एनएवी हाई है, साथ साथ ये रिटर्न भी बेहतर दिया है। उसके बाद इसका देख लेता है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ही इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.61%, मतलब 0.4% आपको ये एक्सपेंस रेशियो लेस ले रहा है, समझ सकते हैं। हाई एनएवी है लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपको 0.4% कम है, समझ सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम, एनएवी हाई और रिटर्न भी अच्छा। तो हाई एनएवी, एक्सपेंस रेशियो भी कम, रिटर्न भी हाई, तो ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आपका फंड का परफॉर्मेंस। तो आपने देख लिया कि आपको कभी भी एनएवी के आधार पर जो है वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा या कम हो सकता है, एनएवी के आधार पर जज नहीं करना है, फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको फंड को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा, टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ऑलवेज कंपेयर फंड परफॉर्मेंस, हमेशा फंड के परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नंबर ऑफ यूनिट्स, आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड ना करें, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो हमारा एनएवी है उसके आधार पे कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको सेलेक्ट नहीं करना है। किसके आधार पे करना है, फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर, जो फंड हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है उस फंड को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर दो फंड का परफॉर्मेंस एकदम सेम है, फंड का परफॉर्मेंस सेम है, तो आपको तब जा कर के लेस एनएवी वाला फंड सेलेक्ट करना चाहिए। लेस एनएवी कब सेलेक्ट करना चाहिए, जब फंड का परफॉर्मेंस सेम है, तो फंड का परफॉर्मेंस सेम हो, एक्सपेंस रेशियो सेम हो, तब आप लेस एनएवी वाले फंड को प्रीफर करें। तो कब लेस प्रीफर करना है, मतलब लेस एनएवी वाले फंड को कब प्रीफर करना है, जब हमारा फंड का परफॉर्मेंस सेम हो, एक्सपेंस रेशियो सेम हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एनएवी को समझने में, एनएवी के इम्पोर्टेंस को समझने में। तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।